बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। एनपी पर जॉब दिमती क्यू दी यूट्यूब चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। फ्रेंड, ये एक सीरीज़ हमने काफ़ी पहले शुरू किया हुआ था और ये इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं सब इंजीनियर सिविल के लिए, ट्रेसर के लिए या ट्रेकर के लिए। तो बाकी जितने भी पेपर इसके हो चुके हैं, तकरीबन 40 वीडियोज़ हैं इसके, इसको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सबको दे दूँगा, उससे आप इसकी अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है कि द फंक्शन ऑफ द ड्यूलाइट इज़ टू मेजर। द ड्यूलाइट के ज़रिए हम क्या चीज़ कर सकते हैं? हॉरिजेंटल एंगल को हम मेजर कर सकते हैं, वर्टिकल एंगल को हम मेजर कर सकते हैं, डिफ्लेक्शन एंगल को हम मेजर कर सकते हैं, और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज इसमें करेक्ट आंसर है। दो नंबर क्वेश्चन है कि द ड्यूलाइट हुज टेलीस्कोप कैन रोटेट थ्रू कम्प्लीट रिवोल्यूटिंग इन वर्टिकल प्लेन इज कॉल्ड। ड्यूलाइट का जो टेलीस्कोप होता है, इसको हम वर्टिकली अगर रिवोल्यूशन देते हैं तो इसको क्या कहा जाता है? इसको ट्रांजिट कहा जाता है। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है। तीन नंबर क्वेश्चन है कि द साइज ऑफ ड्यूलाइट इज एक्सप्रेस्ड बाय। ड्यूलाइट का साइज जो होता है, डाई ऑफ मेन स्केल होता है। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फेस लेफ्ट पोजिशन इज ऑल्सो कॉल्ड। फेस लेफ्ट पोजिशन को क्या कहा जाता है? उसको टेलीस्कोप नॉर्मल कहा जाता है। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है। फाइव नंबर क्वेश्चन है कि वेन टेलीस्कोप बबल ऑफ द ड्यूलाइट इज अपवर्ड इट इज़ कॉल्ड। अगर द ड्यूलाइट का बबल जो है ये अपवर्ड की तरफ होती है, इसको क्या कहा जाता है? द ड्यूलाइट नॉर्मल है या फेस लेफ्ट है? ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है। सिक्स नंबर क्वेश्चन है कि द अदर नेम ऑफ हॉरिजेंटल एक्सेस इज। हॉरिजेंटल एक्सेस का दूसरा नाम क्या है? ट्रोनियन एक्सेस कहा जाता है। ऑप्शन ए बी इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन द बबल ऑफ टेलीस्कोप इज डाउनवर्ड इट इज़ कॉल्ड। जब टेलीस्कोप का बबल नीचे की तरफ हो तो इसको टेलीस्कोप इन्वर्टेड कहा जाता है। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है। एट नंबर क्वेश्चन है कि द एक्सेस ऑफ रोटेशन ऑफ टेलीस्कोप इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन इज कॉल्ड। टेलीस्कोप का जो रोटेशन होता है, एक्सेस हो हॉरिजॉन्टल प्लेन हो तो ये वर्टिकल एक्सेस बन जाता है। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है। नौ नंबर क्वेश्चन है कि ट्रांजिटिंग ऑफ ए ड्यूलाइट इज आल्सो कॉल्ड। इसको रिवर्सिंग कहा जाता है, ट्रांजिटिंग ऑफ ड्यूलाइट को। दस नंबर क्वेश्चन है कि द ड्यूलाइट विच शोज रीडिंग इन डिजिटल इज कॉल्ड। इसको डिजिटल कहा जाता है, जो कि रीडिंग वगैरह सब कुछ डिजिटल में देता है, तो ये डिजिटल कहा जाता है। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है। ग्यारह नंबर क्वेश्चन है कि रेक्टिकल्स ऑफ ड्यूलाइट आर क्लियर्ड विद। तो आईपीस के ज़रिए इसके जो जितने भी रेक्टिकल होते हैं उसको हम क्लियर कर सकते हैं। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है। बारह नंबर क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल क्रॉस हेयर्स इन स्टीटिया डायफ्राम इस। तो ये तीन होते हैं। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोटेटिंग टेलीस्कोप थ्रू 180 डिग्री इन वर्टिकल प्लेन इज कॉल्ड। इसको ट्रांजिटिंग कहा जाता है, जैसा कि हम ऑलरेडी ऊपर पढ़ चुके हैं। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फंक्शन ऑफ ऑप्टिकल प्लमर इज कॉल्ड। तो इसको सल्टरिंग कहा जाता है। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल बबल एक्सिस ऑफ द ड्यूलाइट शुड बी एट सच कंडीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स वर्टिकल एक्सेस। तो ये नॉर्मल ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ ए ट्रिवर्स इज। तो ये जो होता है 2n-4 × 90° होता है। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोजिशन डिपार्चर इज ऑल्सो कॉल्ड। इसको ईस्टिंग कहा जाता है। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोर बेरिंग ऑफ ए बी इज 110 डिग्री, इट्स बैक बेरिंग विल बी। तो ये 290 डिग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाटीट्यूड इज मेजर्ड बाई द फार्मूला। तो एल एक्स साइन थीटा। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है, एल एक्स कॉस थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फार्मूला टू कैलकुलेट द डिपार्चर ऑफ ए सर्वे लाइन इज। तो ये एल साइन थीटा। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैल्यू ऑफ डिपार्चर टूवर्ड्स वेस्ट लेफ्ट साइड इज कंसिडर्ड एज। तो ये ट्रू। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैल्यू ऑफ डिफ्लेक्टिंग एंगल्स रेंज एज। तो ये 0 to 180 90 डिग्री होती है। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ लाइन ऑफ कोलिमिनेशन इज हॉरिजेंटल देन वर्टिकल एंगल विल बी। तो ये 0° सेंटीग्रेड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल ऑफ एनी क्लोज ट्रवर्स इज। तो ये 2n+4 × 90° होगा। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन ग्लूज टेबल ऑल पॉइंट्स आर ब्रॉट इन द क्वाड्रेंट। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है, फर्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिपार्चर ऑफ लेंथ एल एंड आर बी ऑफ जीरो ऑफ डिग्री इज, तो ये एल साइन थीटा, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनक्लोज ट्रिवर्स द अल्जब्रिक सम ऑफ डिपार्चर इज, तो जीरो डिग्री से डिग्री जीरो, ऑप्शन ए सी इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्जब्रिक सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ फाइव साइड क्लोज ट्रिवर्स इज, तो 540 डिग्री सेंटीग्री होगा, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाटीट्यूड एंड डिपार्चर आर बोथ नेगेटिव इन द क्वाड्रेंट, तो एस डब्ल्यू साउथ वेस्ट, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है। बेलिसिंग ऑफ ए ट्रिवर्स इज डन अकॉर्डिंग टू द, तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है, ट्रांजिट रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द क्लोजिंग एरर इन अ क्लोज ट्रिवर्स इज एडजस्टेड बाय, तो ये बॉजिच रूल, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सम ऑफ ए इंटरनल एंगल्स ऑफ एक्सागोनल ट्रिवर्स इज 120 डिग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मोस्ट सुटेबल मेथड ऑफ ट्रिवर्सिंग फॉर ओपन ट्रिवर्स इज, तो डिफ्लेक्टिंग एंगल, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओपन ट्रिवर्स इज सुटेबल इन द सर्वे ऑफ, तो रिवर्स, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन अ कॉज ऑफ रोड सर्वे विच ट्रिवर्स इज सुटेबल, तो ओपन ट्रिवर्स, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एक्सटीरियर इंक्लूडेड एंगल आर मेजर्ड इन अ ट्रिवर्स, तो ऑप्शन ए क्लॉकवाइज इज करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर इम्प्रूव्ड एक्यूरेसी द एंगल आर मेजर्ड बाई, तो ऑप्शन बी रिपीटेशन इज करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेथड ऑफ इंश्योरिंग द इंटर विजिबिलिटी ऑफ टू सर्वे स्टेशन, तो ऑप्शन ए सिमिलर ट्राइंगल इज करेक्ट आंसर है। नौ नंबर क्वेश्चन है कि इन वेल कंडीशन ट्राइंगल नो एंगल शुड बी लेस देन, तो 30 डिग्री, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैक्सिमम एंगल इन वेल कंडीशन ट्राइंगल इज 120 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द लॉन्गेस्ट लाइन इन ट्राइंगुलेशन सर्वे, तो बेस लाइन, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है। पांच नंबर क्वेश्चन है कि कुरेक्शन पावर पुल में भी सच नेचर, तो बोथ जो है ऑप्शन ए पॉजिटिव एंड नेगेटिव इज करेक्ट आंसर है। छः नंबर क्वेश्चन है कि द नेचर ऑफ सेक कुरेक्शन इज ऑलवेज, तो नेगेटिव, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सात नंबर के लेंथ ऑफ बेस लाइन इन प्राइमरी ट्रायंगुलेशन इन किलोमीटर इज, तो 5 to 15, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फार्मूला फॉर कुरेक्शन ऑफ बेस लाइन फॉर एब्सोल्यूट लेंथ इज, तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेंथ ऑफ बेस लाइन इन सेकेंडरी ट्रायंगुलेशन इन किलोमीटर इज, तो 1.5 to 4.5, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेंथ ऑफ बेस लाइन इन टेरिटरी ट्रायंगुलेशन इन माइल इज, तो 1/2 - 2 इज करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेंथ ऑफ बेस लाइन इन टेरिटरी ट्रायंगुलेशन इन किलोमीटर इज 1 to 3 किलोमीटर, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फार्मूला टू कैलकुलेट कुरेक्शन फॉर पुल वाइल मेजरिंग बेस लाइन इज, तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फार्मूला टू कैलकुलेट कुरेक्शन फॉर टेम्परेचर वाइल मेजरिंग बेस लाइन इज, तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन पुल कुरेक्शन फार्मूला ए इज यूज फॉर, तो ऑप्शन ए क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ टेप, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फार्मूला फॉर कुरेक्शन स्लोप ऑफ स्लोप इज, तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडियस ऑफ 1 degree कर्व इज, तो 1720 मीटर, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड डिग्री ऑफ ए कर्व इज, तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द लाइन जॉइनिंग टेंजेंट पॉइंट्स ऑफ ए कर्व इज कॉल्ड, तो इसको लॉन्ग शॉर्ट कहा जाता है, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द कर्व विच इज इंट्रोड्यूस्ड एट द टाइम एट द पॉइंट ऑफ चेंजिंग ऑफ ग्रेडियंट इज कॉल्ड, तो इसको वर्टिकल कर्व कहा जाता है, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑन रिड्यूसिंग द रेडियस ऑफ ए कर्व द वैल्यू ऑफ सुपर एलिवेशन इज, तो यू विल इंक्रीज, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपेक्स डिस्टेंस इज गिवन बाय, तो ऑप्शन ए आर इनटू सेक्टर
तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द लेंथ ऑफ ए ट्रांजिशन कर्व इज गिवन बाय द रिलेशन, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फार्मूला टू कैलकुलेट शिफ्ट ऑफ ए कर्व इज, तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फार्मूला पाई आर बाई 180 गिव्स द ऑप्शन ए लेंथ ऑफ कर्व इज करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेंजेंट लेंथ इज कैलकुलेटेड बाई फार्मूला, तो आर टेंजेंट बाई 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन आइडियल ट्रांजिशन कर्व इज नॉन ए, तो इसको पैराबोलिक कर्व कहा जाता है, ऑप्शन ए इसमें सी इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फार्मूला गिव्स द वैल्यू, तो ये डिफ्लेक्शन एंगल ऑप्शन डी बी इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट टेंजेंट पॉइंट इज आल्सो कॉल्ड, तो ये कर्व पॉइंट कहा जाता है, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन अ सर्कुलर कर्व द सेकेंड टेंजेंट पॉइंट इज आल्सो नॉन एज, तो इसको पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द सेंटर ऑफ ए कर्व इज कॉल्ड, तो एपेक्स कहा जाता है, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमिसिबल वैल्यू ऑफ सेंट्रीफ्यूगल रेशियो फॉर रोड्स इज, तो 1/4, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेंट्रीफ्यूगल रेशियो सी आर फॉर रेलवेज इज 1/8, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद रोटेशन कैरिंग दियर यूजुअल मीनिंग द सुपर एलिवेशन एच फॉर रेलवेज इज गिवन बाय द रिलेशन, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुपर एलिवेशन फॉर रोड्स, तो ये जो है B² / GR, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फार्मूला गिव्स, तो ये क्या देता है, रेडियस ऑफ कर्व देता है, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुपर एलिवेशन इज आल्सो कॉल्ड, तो ये कांट कहा जाता है, कैंट कहा जाता है, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरसेक्शन ऑफ कर्व 136 डिग्री डिफ्लेक्शन एंगल इज, तो ये 44 डिग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन कि वर्टिकल कर्व इज डिजाइन ऑन द बेसिस ऑफ, तो ऑप्शन सी चेंज ऑफ ग्रेडियंट इज करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बाकी हम इसके शेयर करता हूँ, मेरे पास जितनी भी इसका मवाद है सब आपके साथ शेयर करूँगा। हमारे साथ रहें, हमारे चैनल जॉब नेम्स की उसको सपोर्ट करें, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।